प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ध्यान कार्यक्रम पर घमासान मच गया है। कांग्रेस ने इस पर ऐतराज जताते हुए कहा कि ये सीधा आचार संहिता का उल्लंघन है, जिसके बाद इसे लेकर सियासत भी खूब हो रही है। बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। एक ओर जहां बीजेपी और एनडीए गुट में शामिल नेता इसे लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी नेता पीएम मोदी के मेडिटेशन को लेकर उन पर तंज कस रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी देश में लूटने के लिए जानी जाती है। कांग्रेस इस देश को बर्बाद करने वाली पार्टी रही और बिहार को लूटने वाला लालू प्रसाद जी का परिवार रहा। और जस्ट इलेक्शन कैंपेन में लगे हैं और उसके बाद उन्होंने अगर यह तय किया कि जहां विवेकानंद जी ने ध्यान किया था वहीं जाकर के वो आने वाले 24 घंटे या 36 घंटे के लिए एक मेडिटेशन करे, तो इसमें गुनाह क्या है? इसमें गैरकानूनी क्या है? इसमें आचार संहिता का उल्लंघन कैसे हो सकता है? किसी भी व्यक्ति को एक लंबे समय तक कैंपेन के बाद शांति और सुकून ढूंढने का अधिकार है। हाँ, सबका अलग अलग तरीका होता है। अगर किसी व्यक्ति को मेडिटेशन करके शांति और सुकून मिल रहा है तो वो उसकी च्वाइस है। अगर किसी, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको शांति और सुकून चुनने के लिए पाने के लिए वीड लेना पड़ता है, गांजा पीना पड़ता है, तो वो उसकी च्वाइस है, हमको उस पर कोई एतराज नहीं। लेकिन जो गांजा लेने वाले, वीड पीने वाले हैं जो शांति के लिए, उनको इस मेडिटेशन का आध्यात्मिक महत्व समझ में नहीं आएगा। तो कांग्रेस का जो विरोध है वो धर्म विरोधी है, अध्यात्म विरोधी है। विवेकानंद का विरोध कर रहे हैं ये, और हिंदू धर्म की आस्थाओं और परंपराओं का तो विरोध कर ही रहे हैं। और इसलिए कांग्रेस के इस हिंदू विरोध का हम एक सख्त विरोध करते हैं, इसकी निंदा करते हैं, इस पर ऐतराज करते हैं। और कांग्रेस वालों से कहना चाहेगा कि आखिर कब तक आप धर्म के विरोध में खड़े रहे? सुना है कि जहां पर विवेकानंद जी कभी मेडिटेशन किए थे, वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मेडिटेशन करने जा रहे हैं। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। और दूसरा, वहाँ तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है, उसके बाद तो आगे पानी पानी है, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे उसके आगे। कहीं ऐसा तो नहीं एंटार्क्टिका की तरफ जा रहे हों, क्योंकि गर्मी बहुत है यहाँ। और याद रखना, ये गर्मी के कारण भी हार रहे हैं। जो जनता को परेशान किया इन्होंने गर्मी में, ये जनता इन्हें हराएगी इस बार। दरअसल चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में कन्याकुमारी स्थित ध्यान मंडप में आज शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान करेंगे। वह उस शिला पर ध्यान करेंगे जहां स्वामी विवेकानंद ने 1892 में साधना की थी। स्वामी विवेकानंद समुद्र में तैरकर उस शिला पर पहुंचे और शिला पर ध्यान लगाया था। इसके बाद उन्होंने विश्व धर्म संसद में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। 7वें चरण के मतदान के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के ध्यान से पश्चिम बंगाल में घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में अंतिम चरण में 1 जून को वोटिंग होनी है और स्वामी विवेकानंद का संबंध पश्चिम बंगाल से है। इसे लेकर विपक्ष पीएम मोदी पर निशाना साध रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।